हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और फ्रेंड्स, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और फ्रेंड्स, नए साल के पहले ही दिन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग सा वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा अलग, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको आपकी एज बताऊंगा, उम्र बताने की कोशिश करूंगा। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो देखने से पहले आप अपने पास पेन पेपर रख लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को भी बजा दीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पे आपको 1 से लेकर 9 तक नंबर दिख रहे होंगे, उसमें से आपको किसी एक नंबर को चूज कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने नंबर चूज कर लिया होगा। उस नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि गुणा कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका रिजल्ट आया है 2 से गुणा करने के बाद, उसके अंदर आपको 5 को ऐड कर देना होगा, यानी कि 5 को जोड़ देना होगा। और फ्रेंड्स, 5 को जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर आपको 50 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि 50 से गुणा कर देना होगा। 50 से गुणा करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आया है उसके अंदर आपको 1768 को ऐड कर देना होगा, यानी कि जोड़ देना होगा। अगर आपका बर्थडे बन चुका है या फिर सेलिब्रेट हो चुका है या फिर बर्थडे निकल चुका है, और अगर आपका बर्थडे अभी आने वाला है या फिर सेलिब्रेट नहीं हुआ है, तो आपको 1767 को ऐड करना होगा। जैसे ही आप इन दोनों में से किसी भी एक को, जैसा कि मैंने बताया, उस हिसाब से ऐड कर दोगे, उसके बाद जो भी नंबर आएगा, जो भी 4 डिजिट का नंबर आया है, उसमें से आपको आपका बर्थ ईयर को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। जैसे ही आप उस 4 डिजिट के नंबर में से आपकी बर्थ ईयर को घटाओगे, तो आपको एक 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। वो 3 डिजिट के नंबर में जो लास्ट की 2 डिजिट है वो होगी आपकी एज, और जो फर्स्ट वाला नंबर होगा, जो अकेला बचा होगा, वो नंबर वो होगा जो आपने स्टार्टिंग में चूज किया था। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये ट्रिक, आप ये ट्राई करके बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको ये कैसी लगी। अगर आपने कैलकुलेशन पूरी तरह से सही करी होगी तो ये आपको 99% करेक्ट रिजल्ट बताएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक है तो वीडियो को स्टार्टिंग से वापस देखिए और फिर कैलकुलेशन अच्छे से करके देखिए। अगर रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। एक एग्जांपल लेके हम करके देख लेते हैं। थोड़ी देर के लिए 1 से 9 के बीच में सब एक नंबर लेना था, तो मैं ले लेता हूँ 5। मैंने 5 को ले लिया, उसके बाद मैंने उसको करा 2 से मल्टीप्लाई। 2 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आया 10। उस 10 के अंदर मैंने जोड़ा 5। जैसे मैंने 5 को जोड़ा तो मेरे पास हो गया 15। उस 15 को जब मैंने 50 से मल्टीप्लाई करा, यानी कि गुणा करा, तो मेरे पास हो गया 750। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। उसके बाद 750 मेरे पास आया। उस 750 में मैंने 1768 को जोड़ दिया, क्योंकि मेरा बर्थडे निकल चुका है, एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद में जैसे ही मैंने 1768 को जोड़ा तो मेरे पास आया 2518। उस 2518 जो मेरा 4 डिजिट का नंबर आया, उसमें से मेरे को मेरी बर्थ ईयर को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। तो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मेरी बर्थ ईयर है 1995। उस 2518 में से जैसे ही मैंने 1995 को माइनस करा, यानी कि सब्सट्रैक्ट करा, तो मेरे पास आया 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर वो होगा 523। तो जो लास्ट का जो 23 है, एग्जाम्पल के हिसाब से मेरी एज 23 है, और जो स्टार्टिंग का जो नंबर है 5, जब हमने ये 1 से लेकर 9 के बीच में से जो हमने नंबर सिलेक्ट करा था वो था 5। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को भी बजा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।